आरसीए में चल रहे विवादों की वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरीवश बुलानी पड़ी। इसके पीछे मंतव्य इतना सा था कि सही बात मीडिया के पास पहुंचनी चाहिए। जो बात अनाधिकृत रूप से सभी जगह फैलाई जा रही है, वही एक पक्ष मीडिया के सामने अभी तक आया है, दूसरा पक्ष अभी तक मीडिया के सामने आया ही नहीं। परसों के दिन भी एक फर्जी अवार्ड लेकर इन्होंने मीडिया की सुर्खियां बटोरी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। वैसे मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, निश्चित रूप से मीडिया के सामने सभी बात होनी चाहिए, क्योंकि मामला इस प्रकार का है जो कोर्ट में निर्धारित होने जैसा है। इसलिए मैंने अभी तक ये सोचा था कि नहीं, कोर्ट के माध्यम से होगा जो भी होगा, लेकिन जब वो मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत मीडिया के सामने जो भी झूठी बातें रखी, आज उनका उनके बारे में जानकारी देनी मेरे लिए आवश्यक है। सबसे पहली बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि जो भ्रामक बात इन्होंने फैलाई है कि आरसीए से कोषाध्यक्ष पिंकेश पोरवाल को हटा दिया है, तो ना तो मैं हटाऊँ ना ये कानूनन मुझे हटा सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अब इनके हटने का समय आ गया है, अब इनका फर्जीवाड़ा बंद करने का समय आ गया है। तो ऐसे समय में सबसे पहले बात यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मिस्टर आज़ाद ने की है, उसमें ये डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है सबको, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह उन्होंने ये लिखी है कि पिंकेश जैन द्वारा दिए गए अशोभनीय बयानों से व्यथित होकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें सच्चाई आपके सबके समक्ष रख रहा हूँ। तो मैं आपके सामने इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक लाइन कही थी कि अनाधिकृत आर्बिट्रेटर द्वारा फर्जी अवार्ड जारी किया गया, अगर उससे वो व्यथित हुए हैं तो उन्हें और व्यथित होने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं यही बयान पर अपने आज भी कायम हूँ और ये कहता हूँ कि अनाधिकृत आर्बिट्रेटर श्री शिव कुमार जी ने फर्जी अवार्ड जारी किया है। इसके तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये तथ्य रखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई किस प्रकार का गलत काम ये हुआ है और किस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर मीडिया के सामने पब्लिक को बहकाया जा रहा है। इन्होंने मीडिया में जो खबरें दी है, और इन्होंने कह दिया कि आज मैंने एक अखबार में पढ़ा कि ये काम शुरू कर दिया आरसीए में उन्होंने, और प्लीज आ जाइए, आरसीए में काम शुरू कर दिया और आरसीए का काम कोषाध्यक्ष का पद ग्रहण करके करना शुरू कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको आरसीए का कोषाध्यक्ष किसने मान लिया है? अगर इन्होंने काम शुरू कर दिया तो क्या ये डोमेस्टिक क्रिकेट करा सकते हैं? एज ए कोषाध्यक्ष डोमेस्टिक क्रिकेट करा सकते हैं? क्या इनको बीसीसीआई मान रही है? क्या इनके बैंक में सिग्नेचर अलाउ है? क्या हाईकोर्ट इनको मानने के लिए तैयार है? क्या स्पोर्ट्स काउंसिल राजस्थान ने इनको माना है, या फिर रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट ने इनको माना है? अगर इनमें से एक ने भी माना हो तो हम समझेंगे कि चलो ठीक है, कुछ तो किया है इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने मात्र फर्जीवाड़े के अलावा कुछ नहीं किया, मीडिया में झूठी खबरें दी है। इसके बाद सबसे बड़ी सोचने की बात है कि झगड़े का मूल कारण क्या है? झगड़े का मूल कारण से आपका ध्यान हटाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोषाध्यक्ष का निर्णय आर्बिट्रेटर द्वारा, जो कि एक साल से लगभग सुनवाई कर रहे हैं, और उनके द्वारा इतना निर्णय की जल्दी क्या हो गई? ऐसा क्या हो गया कि उनको इतना जल्दी निर्णय करना पड़ गया, जिसमें उन्होंने प्रोसीडिंग पूरी नहीं की, नियमानुसार कानूनन कार्रवाई पूरी नहीं की, उन्होंने कुछ भी बताया नहीं, उसके बारे में आगे बताता हूँ। लेकिन झगड़े का जो मूल कारण है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले आप सबको पता होगा कि एक बात उठी थी कि एज ए कोषाध्यक्ष पिंकेश पोरवाल ने चेकों पर साइन करने के लिए मना कर दिया। कौन से चेक पर साइन करने के लिए मना कर दिया? 2.59 करोड़ में ठेका हुआ और 4 करोड़ का बिल प्रस्तुत किया गया, जिस पर मैंने साइन करने के लिए मना कर दिया। मैंने यही बात कही, मैंने कहा किसी भी सरकारी एजेंसी से इस ठेके की जाँच करा ली जाए और जांच होने के बाद में एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रस्ताव पास किया जाए कि क्या इनका भुगतान किया जाना सही है, और एग्जीक्यूटिव के पास होने के बाद में हमारे अध्यक्ष जी लिखित में ये क्लियर करें कि भाई इनको चेक पास करना चाहिए तो हम पेमेंट पास होगा, बाकी पेमेंट पास होगा नहीं। तो ये 1.5 करोड़ रुपये जो ऊपर मुझसे पास कराना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने मना कर दिया, इसके लिए कोषाध्यक्ष की ये जो बात सारी आई है, कोषाध्यक्ष बदलने की जो बात आई, कोषाध्यक्ष का जो नाम से जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं, ये समझने की बात है। इसके अलावा दूसरी बात,
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में इन्होंने ये बात जो मैंने आपको बताई कि शिव कुमार जी के बारे में कहा है, तो शिव कुमार जी ने आर्बिट्रेटर के रूप में लगभग एक साल से प्रोसीडिंग की है। मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको दूंगा साथ में। और एक वर्ष से प्रोसीडिंग करते हुए जब पहली बार इन्होंने मुझे बुलाया, तो पहली बार ही मैंने जाके इनसे पूछा, कोई भी आर्बिट्रेशन होता है ये नियम है कि पहली बार जब व्यक्ति कोई आर्बिट्रेशन करता है तो जिसको बुलाता है वो व्यक्ति उससे पत्रावली मांगता है, उसके नियुक्त होने का पत्र मांगता है। तो उन्होंने कहा मेरी नियुक्ति अध्यक्ष जी ने की है। मैंने कहा अध्यक्ष जी ने कहा तो आप उसका लेटर दीजिए मुझे किस आधार पर हुई है। तो कह नहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी में पास हुआ है। मैंने कहा एग्जीक्यूटिव कमेटी में तो एक पहले भी ऑर्डर पास हुआ था और उस आधार पर आपने सेक्रेटरी को अपने पद से हटाया था। उस बात के लिए लोकपाल ने इस आर्बिट्रेशन को आपके खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट ने उसको नहीं माना था और फिर सचिव श्री आदर्श नांदू जी को ही माना था जो मेरे समक्ष बैठे हैं। तो फिर आप बताइए कि एग्जीक्यूटिव के अंदर आपने कैसे हुआ, तो इस बात का उनके पास कोई उत्तर नहीं हुआ। मैंने कहा जो कानून है, जो संविधान है, संविधान में क्लियर है कि एजीएम के अंदर आर्बिट्रेटर तय होता है, जो करणी सिंह जी राठौड़ है राजस्थान के परमानेंट आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन के अंदर, तो आप कैसे हो गए। इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी सुनवाई उन्होंने जिस प्रकार से रखी, मुझे बुलाया, तो उसके बुलाने के बाद जो उन्होंने कृत्य किया, उस कृत्य के लिए मैंने उनको 5 तारीख को मेल किया। ये डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ मैं, जो कि मेल का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इसमें मैंने उनको पत्र लिखा कि परम आदरणीय शिव कुमार जी साहब, बहुत ही दुख के साथ जाहिर करना पड़ रहा कि आपने इस राजस्थान प्रदेश के पूरे देश में आपने इतनी बड़ी कमाई हुई इमेज को व्यक्तिगत वजह से दांव पर लगा दिया है। आपने अनाधिकृत रूप से मेरे खिलाफ आर्बिट्रेटर बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने कार्रवाई प्रारंभ करके मुझे नोटिस दिया। मैं पहली तारीख से सभी तारीख तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर एवं अन्य आवश्यक पत्रावली मांगता रहा। आपको पत्र भी दिया लेकिन आपने मुझे कभी कोई पत्रावली नहीं दी। मुझे नोटिस पर नोटिस देते रहे, तारीख पर तारीख देते रहे, मुझे बहुत घुमाया, फिर भी मैं हर बार अपना हर काम छोड़कर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। मुझे बहुत गहरा आघात लगा जब मैं 1 जून 2018 को 5 बजे से 5:30 बजे तक आपके घर के नीचे धूप में खड़ा रहा। आपने ऊपर नहीं बुलाया और ये कहलाकर वापस भेज दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ, तुम लेट हो गए हो, जबकि मैं समय पर आया था, बाकी लोग नहीं आए थे। आप चाहे तो अपने चौकीदार से पूछ ले, हमें हमेशा तारीख पर समय पर आया हूँ। आपके कर्मचारियों ने नीचे मुझे रोका, आपसे मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आपने मेरी एक नहीं सुनी, ये गलत है, विश्वासघात है। आपने जज की छवि बिगाड़ी है, आपसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। उसके बाद अगली तारीख 4 जून को आपने मुझे दी, मैं समय पर आया लेकिन आते ही मुझे बिल्कुल नहीं सुना, ना ही मेरा जवाब लिया, ना ही मेरी पत्रावली ली और ये कह दिया कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा और मुझे आपके आर्डर के मुताबिक संलग्न शपथ पत्र और कोई पत्रावली नहीं दी जो उन्होंने मुझे लिख के बताया था। मुझे बहुत दुख है, शायद ऐसा जुडिशरी में नहीं होता है, लेकिन आपने चंद लोगों के लिए और अपनी आर्बिट्रेशन की फीस के लिए मेरे खिलाफ ऐसी घृणित कार्रवाई की है जो कि जुडिशरी को बदनाम करती है। तब तक ऑर्डर पास नहीं किए थे इन्होंने, अवार्ड पास नहीं किए थे, 5 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे मना करने पर भी आपने श्री महेंद्र नाहर को RCA की ओर से अधिकृत किया, जबकि श्री महेंद्र नाहर ने आपके खिलाफ हाईकोर्ट में रीट की थी, जिसमें श्री नाहर ने आपके खिलाफ आरोप लगाया था कि आपके श्री संजय जी दीक्षित जी जो बाड़मेर से संबंधित है, उनसे निजी संबंध है। इसका डॉक्यूमेंट, इसकी रीट मेरे पास पड़ी है। महेंद्र नाहर जी ने शिव कुमार जी के खिलाफ रीट दायर की थी हाईकोर्ट के अंदर कि आपके निजी संबंध है इसलिए आप बाड़मेर का सहयोग कर रहे हो, और आज भी उन्होंने यही किया। उनके निजी संबंधों की वजह से बाड़मेर के पक्ष में अपनी फीस की वजह से इन्होंने इस प्रकार का फर्जी आवेदन दिया है। 5 तारीख की मेल पढ़ रहा हूँ जिसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। बाड़मेर जिले और बाड़मेर के आरोपों के बावजूद आपने पता नहीं क्या सोचा, यह आश्चर्य की बात है। आपने वह कर दिया जिसकी मुझे आशा नहीं थी। मैं आपका सम्मान करता हूं और हमेशा किया, जबकि मुझे पता था कि आप मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई कर रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जनता को बताऊं या कोई लीगल कार्रवाई करूं। आप जवाब दें, आपको जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे मजबूरी इसे पब्लिक करना पड़ेगा। यह 5 तारीख को मैंने मेल किया। उसके बाद 7 तारीख को मैंने उनको रिमाइंडर किया शिव कुमार जी को कि ओकम प्लीज रिप्लाई, अदरवाइज आई विल पोस्ट इट टू योर फेसबुक वॉल। 7 तारीख को मैंने मेल किया। उसके बाद इन्होंने 8 तारीख को मेरे खिलाफ जबरन अवार्ड दे दिया और 8 तारीख को अवार्ड दिया। उसके बाद जो 8 तारीख अवार्ड दिया वो 10 तारीख को इन्होंने मुझे मेल किया। 11 तारीख को इनको फिर मैंने मेल करके जवाब लिखा और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भेजे और मैंने इनसे प्रश्न खड़े किए। इनसे हर बार पूछा कि परमानेंट आर्बिट्रेशन के अंदर RCA में AGM के जो नियुक्त हैं करणी सिंह जी राठौड़, उन्होंने मेरे पक्ष में कबड्डी के मामले में अवार्ड किया है। उसके बाद जिला जज 13 में मेरे खिलाफ सुनवाई हुई और उन्होंने मेरे पक्ष में फैसला दिया है। तो फिर आप किस प्रकार से अधिकारी है कि इस प्रकार का काम कर सकते हैं, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ये प्रोसीडिंग की उन्होंने मुझे अपने आदेश के साथ दी है, मैंने इस पर मार्किंग की है
आप ये देखिए कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया, आप देखें पता लग जाएगा, साइन किए हुए हैं उसमें, बीच में जबरदस्ती एक दो लाइनें घुसाई है शिव कुमार जी ने। मुझे आश्चर्य है कि जो कि रिटायर्ड जस्टिस है उनको ऐसी हरकतें करनी चाहिए क्या? फिर वो कहते हैं अनाधिकृत केस है, मैं 100% कहता हूँ वो अनाधिकृत व्यक्ति है और उन्हें फर्जी अवार्ड जारी किया है। ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको साथ में संलग्न कर रहा हूँ जिसमें इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इवन यहाँ तक कि स्टार्टिंग की प्रोसीडिंग की कॉपी तक मुझे नहीं दी। ये सब बात ठीक। इसके बाद मूल कारण जो है वो मूल इस झगड़े की जड़ ये यूं कहना चाहते हैं कि जिस समय मैंने आरसीए का इलेक्शन लड़ा उस समय मैं प्रतापगढ़ जिला कबड्डी संघ का पदाधिकारी था, ओनली वन ऑफ द रीजन। ठीक है, मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आज जैसे कोई भी किसी भी संस्था का सदस्य या पदाधिकारी है वो सबसे पहले अपना इस्तीफा किसको देगा और कौन मान्य करने का अधिकारी रहेगा? आज आप पत्रकार बंधु चाहे जिस भी चैनल या टीवी में काम करते हैं, अगर आपको अपना इस्तीफा देना हो तो आप किसको देंगे? अपने हेड को देंगे, कोई संस्था देगी तो अपने अध्यक्ष को देगी, या आप अपने DIPR को दे आएंगे जब कि नहीं मेरा इस्तीफा है? नहीं है ना संभव। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति ने आपको अपॉइंट किया है उसको आपको इस्तीफा देने की आवश्यकता है, या आप इलेक्टेड हुए हो तो आपको अध्यक्ष को इस्तीफा देने की आवश्यकता है। तो आजाद की उत्पत्ति भी जिस एग्जीक्यूटिव कमेटी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी फर्जी है जिसमें शिव कुमार जी का ऑर्डर आता है, दूसरे दिन महेंद्र जी नार बुला लेते हैं और मोहम्मद इकबाल जी और निमाऊ जी वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि साहब यहाँ साइन करो और ये साहब आजाद जी बन गए कोषाध्यक्ष। कल आजाद जी का भव्य स्वागत हो रहा है बाड़मेर में कोषाध्यक्ष बनने पर। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये पत्र लिखा है। अच्छा। अभी तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में उस पर विचार विमर्श नहीं हुआ है, उस पत्र पर कानूनी राय ले ली जाएगी, जो सत्य होगा वो सत्य रहेगा। फर्जीवाड़ा नहीं करना है ना, इसीलिए तो हमें राजस्थान की क्रिकेट चलानी है, इसको बर्बादगी की तरफ नहीं ले जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी को भगवान सद्बुद्धि दे इस ढलती उम्र में कि वो क्रिकेट चलाए।